press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So good morning everyone, this is Dikshant Chitara and welcome back into my channel Motovlog with Dikshant. आज हमारी ट्रिप है हरिद्वार के लिए. अभी हुआ है 6:15 हुए हैं सुबह के. हमारी ट्रेन अप्रॉक्स 9:30 AM है. सो गेट रेडी, हमें पूरा ऑल सेट हूँ जाने के लिए. मेरे पास मैंने एक बैग लिया है, इसमें मेरे सारा सामान आ चुका है. बाकी इधर सब चार्जिंग वगैरह हो रहा है, इधर सब बैटरी वगैरह चार्ज हो रहा है. ये पावर बैंक चार्ज हो चुका है फुल. ये अडेप्टर वगैरह सब है. ट्रेन से अप्रॉक्स वहाँ पे 24 आवर्स लगेंगे जाने के लिए. अगर हम देखें, जैसे अगर हम यहाँ पे अभी 11 बजे 11 बजे यहाँ से बैठते हैं, तो अगले दिन की वहाँ की 11 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे. तो इतना लंबा टूर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फाइनली आज हम पहुंच गए हैं. आज है 27 मार्च, तो फाइनली आज पहुंच गए. हम निकले थे 26 मार्च को, निकले थे हम सुबह, निकले थे 11:30 बजे और आज अब 9 बजे पहुंच गए. लगभग 24 आवर्स लगे. यहाँ से हमारे होटल से व्यू, इतना शानदार व्यू है ना, आपको बता नहीं सकता इतना शानदार व्यू है. और जिस होटल में हम रुके हैं, और जो उस होटल का नाम है जोधपुर होटल नाम है, और व्यू दिखाता हूँ. मेरा चेहरा क्लीन दिख रहा होगा, जबरदस्त व्यू है, एक नंबर व्यू, एक नंबर अल्टीमेट व्यू है. मैंने आपको टाइम लैप्स अच्छे लगे होंगे, मैंने ट्रेन में बनाए थे जो,
लगातार मैंने बनना था क्या मैं अब करूँ क्या, ट्रेन में कोई ब्लॉगिंग हो नहीं सकती, अब बहुत शोरगुल होता है, माइक मेरे पास अच्छा है नहीं जो नॉइस कैंसिलेशन करे, तो मैं ईयरफोन से अपने माइक बना के अपने रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। ट्राइपॉड मैंने ले लिया, ट्राइपॉड सही है, ट्राइपॉड से मैंने बहुत अच्छे अच्छे टाइम लैप्स बनाए, सुबह के सनसेट के सनराइज के बहुत अच्छे टाइम लैप्स बनाए। बाल मेरे थोड़े रफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, जब हम आ रहे थे जब पंजाब से पहले राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही कुछ मिट्टी उड़ रही थी, तो उस कारण बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए। पंजाब के बाद एकदम ग्रीनरी सीन था, ग्रीनरी एकदम पेड़ पौधे वगैरह सब एकदम जबरदस्त है, सो ये मेरी बाल को नहीं इधर थी। सो ये इधर से इतनी बड़ी होटल है और हमारा रूम होटल है, होटल से लेके इधर रूम हमारा रूम ये है। सो आप कुछ आप टाइम लैप्स देख लीजिए, इधर से टाइम लैप्स बनाता हूँ, इधर से टाइम लैप्स अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करते हुए जाना वीडियो को। अगर मैं वीडियो को यहाँ पॉज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा और आगे जाके पॉज करूंगा, आज की एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कल की और आज की दोनों को मिक्स करके एक कम्बाइंड वीडियो बना दूंगा, बीच में एक पार्टीशन डाल दूंगा मैं, जहाँ से 27 शुरू हो रहा है वहां से मैं डाल दूंगा। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, टिल देन राइट सेफ, दिस इज MVD साइनिंग ऑफ।
बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। यात्री कृपया अभिनंदन घंटा घर मन में दो तार से उठाना और जहां पर भी भीड़ है यात्री भीड़ में सावधानी बरते, अपने भी पॉकेट का विशेष ध्यान रखें। आज का दिन तो निकल गया है, आज है 27 मार्च है आज, और आज का दिन पूरा निकल गया है। आज का दिन बहुत अमेजिंग था, और गंगा जी की आरती जो थी मैंने पूरी रिकॉर्ड करी, मैं आपको बता दूंगा। मैं अलग से एक इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, जो आपको इससे सुविधा रहे आप डाउनलोड का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। अमेजिंग आरती थी, क्या लवली परफॉर्मेंस थी आरती को, क्या घुमा रहे थे वो, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त मामला था। और आज का दिन पूरा निकल गया, बहुत थक गया हूँ। मार्केट देखा, बहुत मार्केट के वगैरह टाइमलेस वगैरह देख लेना आप, मार्केट पूरा दिखाया है मैंने। अब वहाँ पे व्लॉग नहीं कर सकता था, मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, अब क्या कर सकता हूँ। और माइक ये है मेरी छोटी बहन रिद्धम चितारा। तो आज का दिन कैसा गया रिद्धम? अच्छा तो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बहुत अच्छा गया। क्या गंगा जी की आरती कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी लगी? हाँ, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके इसी तरह को जरूर कमेंट में भी पोस्ट करें।